ये पुरानी रंजिश है क्या है? वो यहाँ तक जान कर आए नहीं। बबलू के पिताजी का नाम क्या नाम है? तुम्हारो सुषमा देवी। कहाँ को? थे तो फिर हाँ मारी गोली। किन्ने? बबलू। क्यों कहा बात? जा मैं ना मालूम कहा बात। परसों आए बूजी हमने कहीं खेत में, तो खेत भी चले गए। अच्छा। हमसे जा कही दी तो कल्टीवेटर लेना आएंगे। हमने कही दी क्यों कहीं जुताई करे, बस इतनी कही के हमसे चले गए। आज खेत पे काम कर रहे? हाँ जी अंधेरे ही गए हुए खेत बुग्गी लेके। मैं तो जाने ना देते जा मालूम होती। अच्छा, तो कोई लड़ाई झगड़ा कछु ना? लड़ाई झगड़ा हो? कितने लोग हैं अकेले? वे तीन लोग हैं जी अकेले। कैसे गोली मारी? अब जाओ ना है, मैं मालूम तमंचा हो का हो उन पर। वीर है वो हमारे भैया, हमारे साथ में गए थे उन दुखरे थे सारे। हम दूर थे, हमारे पापा भी दूर थे, और तीन लोगों ने जाके उन्हें अकेले में घेर लिया और गोली मार दी उनके। पैसे का लेन देन था। कौन है वो लोग? वो लोग अमरेक के थे, बबलू थे, बंदूक थे क्या था? नहीं तमंचा था 315 का। कितनी गोली मारी है? एक गोली सीना पे मारी। नहीं फौजी नहीं है, 2 साल नौकरी की थी इसने बहुत पहले और छोड़ाया था। उसके बाद ये इधर उधर के गलत काम भी करता था तो जेल भी गया है आदमी। तो सुबह सूचना मिली थी कि राजवीर जो एक्स फौजी है उसके तीन लोगों ने गोली मार दी है। थाना फतेहगंज पूर्वी कादरगंज की घटना बताई गई थी। तो मैं ही मौके पर गया था, बाकी सब और अधिकारी भी मौके पर गए। तो घटना ही संदिग्ध प्रतीत हो रही है, जिससे ये बता रहा है कि गोली मारी है उसका, इस पर 3,05,000 रुपये उधार था। और वो आदमी ठीक ठाक रेपुटेशन का आदमी है, वो गांव के ही एक बड़े नाम के आदमी को और अपने एक साथी को लेकर इससे पैसा मांगने गया था खेत पर। तो प्रथम दृष्टया ये केस जो बनाया हुआ लग रहा है, जो मजरूब है राजवी उसका इलाज चल रहा है। और जो लोग जिन्हों बताया जा रहा था तीन लोग, उनमें से 2 थाने पर आ गए हैं अपने आप ही चल। तो बता रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो तहरीर देंगे उस पर मुकदमा लिखा जाएगा, अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। और गहरी छानबीन करने के बाद जो आगे कार्रवाई की गई।